हाय फ्रेंड्स, आज हम एक 48 वोल्ट 850 वाट का जो ई रिक्शा वाला कंट्रोलर होता है, तो उसका एक आईसी चेंज करने वाला था। तो मैंने समझा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं और आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि आईसी कैसे चेंज करके लगाते हैं। तो फर्स्ट हमने तो उसको रिमूव करके रखा था और उसको सफाई भी करके रखा था, तो हमने अभी लिक्विड पेस्ट जो होता है उसको लगाया। तो चलिए, अब हम एक कंट्रोलर से आईसी को निकाल के रखा था, उसका पूरा मॉस्फेट जल गया था। तो ये तो मैं अभी तक नया नहीं मिला हमको, तो पुराना सा ही काम चला रहा हूँ मैं बहुत दिनों से। तो देखिए, ये जो आईसी का पिन जिधर सोल्डरिंग हो रहा है वो मिडिल में देखिए एक स्क्वायर करके एक ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आईसी की इस साइड में एक मार्किंग किया हुआ है और ये देखिए स्क्वायर का एक कोना कटा हुआ है। तो वो आईसी वाला मार्किंग और ये कोना कटा हुआ है, ये सेम साइड में आएगा, तो आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट हम आईसी को थोड़ा अच्छे से बैठाएंगे। और चारों साइड से हम उसको एडजस्ट करके हम बैठाएंगे। हाँ, आपको चारों साइड से देखना है, और आपके पास अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उससे भी आप बड़ा करके देख के आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, हमने आईसी को परफेक्ट जगह पे बैठा दिया। इस साइड थोड़ा तो हमने आईसी को परफेक्टली उसके जगह पर बैठा दिया। और अभी देखिए, कोई कोई है जो आईसी को ऐसे ही बैठा के हॉट एयर गन या ब्लोअर से हीट देके इसको सोल्डरिंग करने का कोशिश करता है, लेकिन वैसे ये काम नहीं होता। आप ज़रा ध्यान से देखिए, तो हमने परफेक्टली उसको उसके जगह पर बैठा दिया। तो आपको करना क्या होगा, आपका जो आयरन है उससे आपको आईसी की तीनों साइड या चारों साइड एक एक पिन को आपको सोल्डरिंग करना होगा। देखिए, मैंने दो साइड किया, तीन साइड अप कर लेते हैं तो एक एक करके। तो ये देखिए, हमने दो दो पिन को किया, और आपको जैसा लगता है कि ज़्यादा मत करिए, सिर्फ आपको आईसी को वहाँ पर रोक के रखना है कि अगर आप ब्लू आज चलाते हो तो उस टाइम
आपका ये आईसी हट ना जाए, तो हम फिर से लिक्विड पेस्ट को लगाएंगे। अच्छी तरह से हम चारों तरफ लगा देंगे लिक्विड पेस्ट को। और अभी हम आईसी को पकड़ के रखेंगे कि कहीं हिल ना जाए, और चारों साइड हम इसको हॉट एयर गन से हीट करेंगे चारों साइड। आपको ध्यान रहे आईसी के ऊपर हीट नहीं आना चाहिए, वरना वो ख़राब हो सकता है। तो जिधर आईसी का पिन है हम उसी साइड में ही हॉट एयर गन से हीट करेंगे। तो चलिए हमारा हो गया। तो अभी और एक काम बाकी है, तो हम फिर से इसमें लिक्विड पेस्ट देने वाले हैं। अभी हम इसका जितने भी पिन है चारों साइड सभी को हम सोल्डरिंग करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सभी को एक एक करके चारों साइड हम रीसोल्डरिंग करेंगे। देखिए हमारा एक साइड हो गया, सभी पिन को कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और आपको ज़रा ध्यान से करना होगा, आपका जो आयरन का बीट है उसको जितना आप नुकीला कर सकते हैं उतना आपको फ़ायदा है, आपको काम करने में आसान हो जाएगा। तो हमने दो साइड कर दिया, ये तीनों साइड है। अभी और एक साइड बाकी है, ये चलिए हमारा हो गया। और एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई पिन छूट गया है या नहीं। ये वाला टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सभी पिन को सोल्डरिंग करना होगा। अगर एक भी छूट गया तो ये कंट्रोलर स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारा सोल्डरिंग तो कंप्लीट हो गया, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये पूरा एकदम परफेक्टली हो गया। और जो भाई नया लगा रहा है, मैं आपको बोलूँगा आपके पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे आप बहुत अच्छे से देखिए। अगर एक भी पिन छूट गया या शॉर्ट हो गया ये कंट्रोलर स्टार्ट नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा काम सक्सेस हुआ है नहीं। और भाई
चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट तो हमने इसको लगा लिया तो चलिए अभी ये तो हो गया। अभी ये इग्निशन वाला कनेक्शन दिया, अभी एक्सेलेटर बाकी है तो उसके बाद देखते हैं कि हमने जो आईसी लगाया वो परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा ये कंट्रोलर स्टार्ट हो गया, तो अब हम इसका वोल्टेज भी चेक करेंगे। ये स्टार्ट हो गया पूरा, अभी हम आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाएंगे कि ये सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट हम नेगेटिव साइड मॉस्फेट के गेट का वोल्टेज चेक करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, नेगेटिव साइड मॉस्फेट का वोल्टेज आएगा 4.5, 4.6, 4.7, कभी कभी 5 वोल्ट भी शो होता है, 5 वोल्ट। और तीनों सेक्शन में सेम ही दिखाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट नेगेटिव साइड को चेक करते हैं, गेट का वोल्टेज कितना दे रहा है। কোম্পানি আলাদা আছে আর এমনি তো এখন ইয়ে গাড়ির দাম দেখিয়ে অনেক হাই। ই 4.8 দিখা রা হ্যায়, এ দুসরে বালা, মানে এ কিরকম দুসরা আছে সেকশন মে ভি পার ফোর পার পয়েন্ট ডিসপ্লে সিক্স চাহিদা আমাকে বলুন। 4.5 ये ঠিক হ্যায়, 1 আধ ভোল্ট ঠিক হ্যায়। ये পজিটিভ বালা সাইড হ্যায়, দেখিয়ে ইধার ভি সেম আনা চাহিয়ে। ये 10 ভোল্ট দিখা রা হ্যায়, ये ভি 10, ये ভি 10। মতলব হমনে জো আইসি লাগায়া ও একদম পারফেক্ট काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।